आप देख रहे हैं 60%। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में सूबाई यूथ असेंबली के दो नौजवान खवातीन समेत 21 अरकान कामयाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। हुकूमती दावों के बावजूद बच्चे बुनियादी हकूक से महरूम। परीसा फारूक हैं एक उभरती हुई नौजवान गुलुकारा जो पॉप मौसीकी के साथ प्लेबैक सिंगिंग भी कर रही हैं। Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos? स्काइप ने नया टूल मुतारिफ करा दिया, अब वीडियो कॉल की भी ट्रांसलेशन हो सकेगी। 60% के साथ मैं हूं रेशम विक और मैं हूं कौकब राठौर। इस प्रोग्राम में बात होगी हमारी कुल आबादी के उस 60% की जो जमानत है हमारे रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की, जो है हमारे नौजवान। पाकिस्तानी नौजवानों की क्या है सोच, हमारे नौजवान दिखा रहे हैं कौन से कारनामे, दिखाएंगे आपको हर वो खबर जिसमें है नौजवानों को दिलचस्पी। और ये भी बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, किस शहर के नौजवान और किस जगह हो रहा है कौन सा इवेंट। इसके अलावा बताएंगे आपको तालीमी सरगर्मियों और खेल के मैदानों से नौजवानों की हर खबर। और यहाँ हम ये भी बताते चले कि हमारा टारगेट है कि हमें पूरे पाकिस्तान से 2000 नौजवान रिपोर्टर्स चाहिए जो अपने इर्द गिर्द होने वाले अहम और अछूते वाकयात की तस्वीर और वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकें। ये वीडियोस और तस्वीर आप शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पर हमारी न्यू न्यूज गैदरिंग ऐप डाउनलोड करके और बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। और अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट काबिल मुकाबिल की जानिब। और अब आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में सूबाई यूथ असेंबली के दो नौजवान खवातीन समेत 21 अरकान ने कामयाबी हासिल कर ली। नौजवानों का मुल्की निजाम की बेहतरी के लिए काम करने का अज़्म। नौजवान किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और किसी भी कौम में हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। यूथ असम्बलियाँ और पार्लियामेंट्स के क्याम का मकसद ही यही होता है कि नौजवान मुल्की निजाम चलाने में अमली महारत हासिल करें। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई यूथ असम्बली की जानिब से नामजद किए गए मेंबर्स ने हफ्ते के रोज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नौजवानों ने डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जनरल काउंसिल, यूथ काउंसिल, वुमेन काउंसिल, किसान काउंसिल के अलावा खुसूसी नशिस्तों से भी इंतखाबात में हिस्सा लिया। इन इंतखाबात में सूबाई यूथ असेंबली के 21 अरकान ने कामयाबी हासिल की जिनमें दो खवातीन भी शामिल हैं। यूथ असेंबली के चेयरमैन आबिद अतोजई अपनी यूनियन काउंसिल के नाज़िम मुंतखब हो गए हैं। बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद नौजवानों को इस काबिल बनाना था कि वो आगे बढ़कर मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सूबाई यूथ असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के सदर ज़ीशान होतियाई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम जी। ज़ीशान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन में कुल कितने मेंबर्स ने हिस्सा लिया और कितने नौजवानों ने कामयाबी हासिल की। सबसे पहले मैं न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यूथ को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं इसके बाद बताऊंगा कि सूबाई यूथ असेंबली जो कि नर्सरी का किरदार अदा कर रही है और हकीकी मानों में नौजवानों को आगे लाके सियासत में पेश कर रही है, तो हमने कुल मिला के 100 मेंबरान अपने इलेक्शन में खड़े किए थे और उसमें से जो अभी तक काउंटिंग जारी है और हमें अभी तक नतीजे मौसूल हो गए, तो हमारे 21 बंदे कामयाब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसमें जो है 7 मुल्तान से 1 खवातीन की नशिस्त, 2 पिशावर से, 5 मानसेरा, 2 एबटाबाद से, 1 बोहाट और 2 हंगू से हमें सीटें मिली जी। अच्छा जिशान साहब, यहाँ पे ये बताइएगा कि सूबाई यूथ असेंबली के अरकान बलदियाती इदारों में किस तरह दूसरों से मुख्तलिफ कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे? देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया, सूबाई यूथ असेंबली एक नर्सरी का किरदार अदा कर रही है। हम ऑलरेडी अपने तमाम बंदों को मुकम्मल तौर पर ट्रेन कर चुके हैं और वो ऐवान में किस तरह बात करनी है और किस तरह से अपने हक और इलाके के हक के लिए बात करनी है, वो सारी चीजों पे मुकम्मल अबूर रखते हैं और इंशाल्लाह जो बाकी मेंबरान और बाकी लोग होंगे उनसे वो बेहतर काम करेंगे, क्योंकि वो सब मसाइल हल करने का तरीका जानते हैं, उन्हें तमाम मसाइल से आगाही है और वो ग्रास रूट लेवल से आगे आए हैं, तो इंशाल्लाह वो सबसे बेहतर काम करेंगे। जिस शान, आप ये भी बताएगा कि नौजवानों में कितनी सियासी आगाही पैदा हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हमारी यूथ असेंबली अपना किरदार अदा कर रही है तो उससे भी मुकम्मल आगाही हासिल हो रही है, और दूसरी जो बल्दियाती इलेक्शन है तो ये ग्रास रूट लेवल से होते हैं, तो इसमें हमें अंदाजा हुआ है कि नौजवान मुकम्मल चाहते हैं कि वो आगे आए और कौम की खिदमत करें, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और जो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहैया कर रहे हैं उनके लिए। जी जिशान, आपको कामयाबियों पर बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या पाकिस्तानी बच्चों को वो सहूलियात मुयसर हैं जो उन्हें होनी चाहिए? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के ये बच्चे कल के नौजवान हैं जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। पाकिस्तान में ना तो बच्चों की जिस्मानी सेहत काबिले फख्र है, ना ही उनके हकूक से मुतालिक माशरे को पूरी आगही है। यही वजह है कि बच्चों का तालीमी और सेहत का मयार पस्त है। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्हें तालीम और खुराक जैसे बुनियादी हकूक भी हासिल नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान में गजायत का शिकार और स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद अफ्रीका के कई पसमानदा मुल्कों से भी ज्यादा है। एक और संगीन मसला चाइल्ड लेबर का है। छोटे बच्चों की मेहनत मजदूरी करना चाइल्ड लेबर के जुमरे में आता है, जिस पर पाबंदी है, लेकिन पाबंदी के बावजूद इस कानून पर अमल नहीं किया जाता। ट्रेन का सफर हो या बसों का, मासूम बच्चे हर शहर में चाय और दूसरी खाने की अशिया बेचते हुए नजर आते हैं। बहुत से बच्चे वर्कशॉप पर काम करने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में हकूमत को ही नहीं, माशरे के तमाम तबकात बिलखसूस नौजवानों को आगे आना चाहिए ताकि मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज और रोशन बनाया जा सके। रेशम, आपने जो भी रिपोर्ट देखी बच्चों के आलमी दिन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये तमाम बातें सिर्फ एक डे मनाने तक ही महदूद रह चुकी हैं, क्योंकि आपको इस वक्त 5 साल से 16 साल तक के बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो यूथ है जो आज अगर बेहतरी की तरफ अच्छी तालीम हासिल करेगी तो आगे जाके किसी हद तक कामयाब होगी और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को कामयाब कर सकेगी। कौकब, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को बुनियादी हकूक मयसर नहीं है, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने आप को मनवाया बल्कि इंटरनेशनली वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज अच्छा है अगर हम भी इंफरादी और इज्तमाई तौर पर अपना रोल प्ले करें। लेकिन 60% का जो प्लेटफॉर्म है वो बेशक टैलेंट प्रमोट करता है, लेकिन वो यूथ के तमाम इश्यूज भी प्रमोट करता है कि जिनको सबके सामने लेकर आए। जैसा मैंने एजुकेशन की बात की, चाइल्ड लेबर पे लॉ है, उनका उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें फैक्ट्री से उठा के स्कूल्स में दाखिल कराएं ताकि आपका जो बेस्ट फ्यूचर बन सके। और मेरे ख्याल से हमें बच्चों को सिर्फ चिल्ड्रन डे पर ही याद नहीं रखना चाहिए, थ्रू आउट याद रखना चाहिए और उनके लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को दुनिया मानती है। साइमन यंग एक मल्टीनेशनल कंपनी पीएसएन के एशिया वेंचर मार्केट्स के रीजनल डायरेक्टर हैं। उनकी कंपनी बहुत से ममालिक में नौजवानों को तालीमी सहूलियात फराहम करती है। साइमन यंग आजकल पाकिस्तान में है, हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी नौजवान किस तरह अपनी तालीमी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस साइमन। फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो how Pakistani youth can be benefited by PSN Group and its resources. Pakistani youth can benefit from qualifications, curriculum, our assessment frameworks,
to help them get to international accreditation, international qualifications, to help them travel abroad, go to university, and improve their prospects in life. For all kinds of learners, no matter what their background is or where they want to go, whether they want to go to a university, whether they want to study engineering or business or travel and tourism, it could be anything. Pearson offers such a wide range of both resources and also a curriculum framework to allow a learner so many choices and options in their life. So, Mr. Simon, what sort of publishing resources does Pearson Groups provide? We publish to all sorts of different levels, primary, lower secondary, middle years, up to A level, advanced level, but also professional books and content and publications for anybody who wants to learn something new, or achieve a new skill. So, Mr. Simon, what do you think about the education sector in Pakistan? It's quite difficult to say, but from what I've seen so far, the education sector here is very sophisticated. There's a great deal of enthusiasm and passion on teachers, good quality. The students are very engaged and very energetic. This is my first visit, so I've seen a very limited range of universities. But from what I've seen so far, the university sector is very good quality, and a great commitment to education and also to high standards. Thank you so much for your time, Simon. अब चलते हैं इधर उधर से की जानिब। कराची में निजी तालीमी इदारे की तरफ से सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पर वर्कशॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। कल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में प्रोजेक्ट और पोस्टर मुकाबले का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एंटरप्रेन्योरशिप पर सेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यूथ पार्लियामेंट के जेर एहतमाम हैदराबाद में तीसरी कौमी तवानाई यूथ कॉन्फ्रेंस कल होगी। ये था इधर उधर से। अब यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके लिए बहुत से दिलचस्प और नई खबरें। देखते रहिए 60% सिर्फ नियो टीवी पर। वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं नौजवानों की कुछ मजीद खबरें और अब आपको बताते हैं टेक्नोलॉजी में जिद्दत की। स्काइप ने नया टूल मुतारिफ करा दिया, वीडियो कॉल की भी ट्रांसलेशन हो सकेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. स्काइप ने सारफीन के लिए मुतारिफ करा दिया है एक ऐसा टूल जिसके जरिए अब आप किसी भी जबान वाले शख्स से बआसानी वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सकते हैं। You're very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. जो आपकी जबान बोल और समझ नहीं सकता, स्काइप से बात करते हुए आप अपनी जबान में कुछ कहें तो ये ट्रांसलेशन टूल फौरी तौर पर उसे मुतालिका फर्द की जबान में ट्रांसलेट कर देगा। Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está muy lindo. Here is very nice. इसकी एक खसूसियत ये भी है कि ये बताएगा कि मुतालिका फर्द ने इस ट्रांसलेशन का मतलब क्या लिया है, यानी ये खुद ब खुद अपनी खामियां भी तलाश करेगा। इब्तदाई तौर पर स्काइप ने ट्रांसलेशन की ये सहूलत चार जबानों इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन और मैंडरिन में फराहम की है। कॉकअप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की तो कोई हद नहीं और ये नया टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है। इससे जो सबसे बड़ी बात है, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल रेशम, और मैं अब आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ कि दुनिया में तकरीबन 6500 जुबानें हैं, 6500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और इसमें तकरीबन 2000 ऐसी जुबानें हैं जिनको बोलने वाले पूरी दुनिया में सिर्फ 1000 लोग हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा कम तादाद में। अब अगर किसी ऐसी जुबान की ट्रांसलेशन हो गई, जैसे स्काइप ने अभी ये चार जो लैंग्वेजेस अभी बताई हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, चाइनीज वगैरह, ये जो चार जुबानों की अगर ट्रांसलेशन हो जाती है तो किस कदर फर्क पड़ जाएगा कि आप ये पूरी दुनिया में किसी से भी राबता करें और फिर आप उसकी बात सुन सकते हैं, उसके एहसास सुन सकते हैं, आपको पता चल जाएगा वो क्या कहना चाह रहा है। और अब बात हो जाए हेल्थ टिप के हवाले से। आंखों के गिर्द स्याह हल्के मसला है बहुत से नौजवानों का, खीरा और आलू है इनसे निजात में मददगार। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
آنکھوں کی خوبصورتی انسانی شخصیت کے نکھار میں کرتی ہے اضافہ، لیکن بہت سے نوجوانوں کی آنکھوں کے گرد پڑے ہوتے ہیں ہلکے، جن سے ان کی شخصیت ہوتی ہے متاثر۔ لیکن ان مشوروں پر عمل کر کے آنکھوں کو بنایا جا سکتا ہے خوبصورت۔ آلو اور کھیرا کھانے میں ہی نہیں بلکہ آنکھوں کے علاج کے لیے بھی ہوتے ہیں مددگار۔ آلو کو چھیل کر آنکھوں پر 15 منٹ کے لیے لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کو ملے گا سکون اور آنکھوں کی سوجن میں کمی ہوگی۔ کھیرے کے تاثیر بھی ہوتی ہے ٹھنڈی۔ اس کے ٹکڑوں کو آنکھوں پر 5 سے 10 منٹ تک رکھا جائے تو آنکھوں کے گرد ہلکے ہو جائیں گے ختم۔ اس سے آپ کی شخصیت جاذب نظر اور پرکشش ہو جائے گی۔ اس مسئلے پر ہم بات کریں گے معروف اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر زرقا تیمور سے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ سب سے کامن آج کل کے زمانے میں تو یہ ہے کہ جو رات کو جاگنا ہے نا، فون پہ، جو ہمارے یوتھ آج کل فون کو بہت بزی ہوتی ہے فری ٹائم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات 11 بجے سے لے کر صبح 6 بجے کے دوران جو وقت دیا ہے یہ ہمارا سونے کا وقت ہے۔ اب سے اس وقت میں آپ رات کو نہیں سوئیں گے اور آپ سوچیں گے کہ میں دن میں وہ نیند پوری کر لوں گی، تو آپ کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے آ جاتے ہیں جن کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں۔ اس کے علاوہ، یہ تو کامن کاز ہے، اس کے علاوہ موروثی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے خاندان میں ہوتے ہیں ہلکے سیاہ۔ پھر آپ کی ہیلتھ سے بڑا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کا۔ اگر آپ کے خون میں وٹامن کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کے چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ تیسرا اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی فیٹ ری ابزارب ہو جاتی ہے آنکھوں کے نیچے سے، اس کی وجہ سے کھڈے بن جاتے ہیں اور وہ کھڈے بھی جب سامنے سے آپ دیکھتے ہیں تو وہ گہرے رنگ کا تاثر دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، نوجوانوں کو کیا ٹپس دیں گی سیاہ حلقوں سے نجات کے لیے؟ اگر کسی کو ہو جاتے ہیں تو کیا ٹپس دیں گی آپ؟ جی، سب سے پہلے تو جو میں نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ رات کو، رات 11 بجے سے لے کر صبح جو نماز کا ٹائم ہے 5-1 بجے تک، اس کے دوران آپ کی 6 گھنٹے کی کم از کم نیند ہونی چاہیے جو ٹوٹے بغیر ہو، ان انٹرپٹیڈ نیند ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کی خوراک متوازن ہونی چاہیے، پانی آپ کو کافی پینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کو پڑ رہے ہیں ہلکے تو آپ اپنی نیوٹریشن کو ریویو کریں۔ ایک سمپل سا ٹوٹکا ہے، کیوکمبر رکھنے سے، ٹھنڈے کھیرے کو کاٹ کے اگر وہ آپ رکھیں آنکھوں کے اوپر تو وہ اچھا ٹوٹکا ہے۔ دوسرا، یوز پی بیگ ہوتے ہیں، اگر ایک دفعہ استعمال کیا ہوا اس کو فریج میں رکھیں اور وہ ٹھنڈا نکال کے آپ 10 منٹ کے لیے دونوں آنکھوں پہ ایک ایک پی بیگ رکھیں، اس سے بھی رنگت میں بہتری آتی ہے۔ یہ سمپل سی ٹپس ہیں جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو پھر آپ کو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا، اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر آگے سے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایسا کوئی حل کہ آپ اپنی ڈائٹ کا ایسے خیال رکھیں گے، ایسے کوئی ٹریٹمنٹ جس سے پرماننٹلی اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے؟ پرماننٹلی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز جس سے نہ جان جائے وہ تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا پرماننٹ حل ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو آپ کی لائف اسٹائل سے ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں اور ایک دفعہ پڑ جائیں تو پھر ان کو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں اچھے لائف اسٹائل سے، جس میں کہ نیند صحیح ہو، خوراک بیلنس ہو، جس میں فاسٹ فوڈ نہ ہو، آپ ڈیلی سبزیاں اور پھل، سبزیوں کا جوس پئیں، پھل پورا کھائیں اور اپنی سوچ بہت مثبت رکھیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہلکے۔ زیادہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو بچیاں اور بچے زیادہ دیر سوچتے ہیں اور وری کرتے ہیں ان کے یہ کھڈے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی بہت تیزی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ٹپس اور مشوروں کے لیے۔ آپ نے جاننی ہیلتھ ٹپ، اب دیکھتے ہیں جوہر وطن۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پریسا فاروق ہیں، ایک ابھرتی ہوئی نوجوان گلوکارہ جو گلوکاری کے ساتھ ساتھ پلے بیک میوزک بھی کر چکی ہیں۔ پریسا فاروق ہیں ایک باصلاحیت نوجوان گلوکارہ جو گلوکاری کے ساتھ کمپوزیشن میں بھی رکھتی ہیں مہارت۔ میرا میوزیکل کیریئر جو ہے وہ 2012 سے اسٹارٹ ہوا ہے، پروفیشنلی ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا، اور جانا ہے مسی جو میری سب سے پہلا میرا سانگ تھا میری سسٹر کے ساتھ، سو اس میں میں نے کمپوزیشن کمپوز بھی کیا ہے، اینڈ دیر واز ساجی اینڈ کامران ود می، تو وہ سب سے پہلا میرا جو بگننگ کہتے ہیں نا، پہلا ہٹ نمبر بھی تھا ہم لوگوں کا، اور
वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया बेसिकली प्रोफेशनली और उसके बाद फिर चलती चले गए I have written many songs. फैमिली की सपोर्ट और मौसीकी से बेहद लगाव ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 2012 से अपना फनी सफर शुरू करने वाली परीसा अब तक स्कूल और कॉलेज के अलावा गैर मुल्की बैंड्स के साथ भी परफॉर्म कर चुकी हैं। वेस्टर्न पॉप मौसीकी में उनको खासी दिलचस्पी है। ट्रेनिंग कहीं से भी नहीं ली है लेकिन इंस्पिरेशन बहुत लोगों से ली है और जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे सीखते भी जा रहे हैं और कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं है बट मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा हो जो हम लोगों को गाइड करे। परीसा कहती हैं मौसीकी उन्हें जिंदगी का मुस्बत रुख दिखाती है इसलिए वो गुलुकारी को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज समझती हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो कोई फीमेल कंपोजर आपको नजर नहीं आएगी लेकिन लिरिसिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं एंड आई कैन कंपोज सॉन्ग्स आई हैव कंपोज मेनी सॉन्ग्स फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बहुत ज्यादा सोलोज बनाए हैं और ओएसटीज भी बनाए हैं लोगों के साथ भी बहुत काम किया है साहिर अली बग्गा इन लोगों के साथ मिलकर भी कंपोज किया है सो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आजकल वो पॉप गुलुकारी के साथ साथ प्लेबैक सिंगिंग भी कर रही हैं। एक बार भी तुमने ना कहा मैंने कुछ सुने बिना सब्र कर लिया। कौकब पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं और हम ये बात रोजाना कहते हैं लेकिन यकीन करें सारे व्यूअर्स भी और सब लोग के बहुत मजा आता है कहने का क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारा यंग टैलेंट हमारे नौजवान कैसे अपना रास्ता खुद बनाकर कामयाबी की तरफ रवाना दवा है। और बिल्कुल रेशम सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि 60% वो प्लेटफॉर्म है जो इनकी आवाज़ को उठाता है और इनके टैलेंट को प्रमोट करता है और हम इनके लिए सबसे ज़्यादा दुआ गो हैं 60% और 60% की पूरी टीम इन लोगों के लिए दुआ गो हैं कि इनका बहुत अच्छा फ्यूचर बने और ये हर मुकाम पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम हमसे राबता करें हमारे फेसबुक पेज पर जो है 60% और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर हमारा ट्विटर आईडी है 60% आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है 60% अगर आपने सुना ना हो कामयाबी का कोई भी किस्सा या सर अंजाम दिया हो किसी भी किस्म का कोई कारनामा तो हमसे शेयर करें हमें इंतजार रहेगा एनर्जी ऐप पर भेजी गई आपकी वीडियोज और तस्वीर का जिन्हें भेज कर आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। कौकब राठौर और रेशम विर को दीजिए इजाजत कल फिर आएंगे नई खबरों और सवालात के साथ पहुंचाएं अपनी सोच को हम तक क्योंकि हम हैं नौजवानों की आवाज देखते रहें नौजवानों के उमूर से जुड़ी हर खबर के लिए प्रोग्राम 60% सिर्फ न्यू टीवी पर। अल्लाह हाफिज़।